रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। फर्स्ट एरर दिया हुआ है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू ए फॉर 11,500 वॉज पास्ड थ्रू सेल्स बुक। हमने फर्नीचर सेल किया है 11,500 का, लेकिन मैंने उसकी एंट्री जो पास की है वो सेल्स बुक से कर दी है। ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट समझाते समय हमने आपको बताया था सेल्स बुक अगर लिखा है तो पूरी एंट्री गलत हो गई है, अगर अकाउंट लिखा है तो सिर्फ वो अकाउंट की गलती है। तो यहां पर बुक लिखा हुआ है सेल्स बुक, मतलब पूरी एंट्री गलत की है हमने, सेल्स की तरह मान लिया उसको। तो चलिए एंट्री करते हैं इसकी। तो हमने तीन कॉलम बना लिए हैं, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाइड एंट्री। तो देखिए यहां पर दिया है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। जब हम फर्नीचर को सेल करेंगे तो एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होगी, हमारे पास कैश आएगा, कैश और बैंक जो आपको लिखना चाहिए, टू फर्नीचर अकाउंट। ये एंट्री हमको करनी थी 11,500, लेकिन हमने इसको सेल्स की तरह मान लिया तो सेल्स की एंट्री पास कर देते। सेल्स की एंट्री आप क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आप करेक्ट रेक्टिफाई कर लीजिए अपने एरर को। हमने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था दोनों को टैली करते हैं और रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। तो देखिए कैश अपनी जगह दोनों में सही है, तो कैश को कुछ नहीं टच करना है। हमें करेक्ट एंट्री में फर्नीचर को क्रेडिट करना था, लेकिन मैंने सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सेल्स को सही करने के लिए डेबिट कर दे, ये नहीं करना था ना, तो इसको निल करने के लिए इसको डेबिट करेंगे तो निल हो जाएगा, क्रेडिट का डेबिट होके सेल्स अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट में लाना था नहीं लाए तो ले आएंगे टू फर्नीचर अकाउंट। एंट्री 11,500 और आप नरेशन लिख लीजिएगा बीइंग एरर रेक्टिफाइड। चलिए पहले एंट्री में हम लिख देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड वाला पार्ट जो हमें दिया हुआ है उसमें लिखा है क्रेडिट परचेजेस ऑफ 12,000 फ्रॉम ओजाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एरर ऑफ ओमिशन है, मैंने क्या किया है, परचेज किया है क्रेडिट पे, एंट्री पास नहीं की है। नहीं किए तो करेक्ट एंट्री में तो मैंने डैश कर दिया, कुछ एंट्री नहीं की। रॉन्ग एंट्री, हम डायरेक्ट ओमिशन की एंट्री तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, सही एंट्री पास कर सकते हैं, जो ओमिशन हुआ है उसकी एंट्री पास कर दीजिए, तो इधर दो एंट्री कुछ नहीं होगी। आप एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों दिखाएं, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको सिर्फ, तो आपको यही एंट्री करके आनी है। अगर आप रफ में भी सॉल्व करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ ये मेन एंट्री इसी के मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको यही ध्यान रखिएगा, यही मेन एंट्री है, इस पे मार्क्स मिलेंगे। तो ये तो हमने टेक्निक है जो हम अप्लाई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो यहां दिया है क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम ओजा, परचेज से, तो परचेज की एंट्री कर देते हैं, यहां लाइन खींच लें, परचेज करते हैं क्रेडिट पे तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट ओजाज करके है अकाउंट, अमाउंट है हमारा 12,000 से एंट्री पास कर देते हैं, ये सेकेंड पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट इज नरेशन लिख लीजिएगा, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट 7,000। मैंने रिपेयर करवाया लेकिन मैंने उसको बिल्डिंग अकाउंट में लिख दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एरर ऑफ प्रिंसिपल वाला ये एरर है, तो इसको रेक्टिफाई करते हैं। तो पहले रॉन्ग एंट्री में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसमें देखते हैं क्या है, रिपेयर करवाया है तो रिपेयर की एंट्री क्या करते हैं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी, कैश अकाउंट, अमाउंट दिया हुआ है रिपेयर्स 7,000 का, लेकिन हमने ये एंट्री पास ना करके, अब देखिए इस क्वेश्चन में बिल्डिंग अकाउंट लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ अकाउंट की गलती है, बिल्डिंग अकाउंट की गलती है, तो हम बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मैंने ये गलत लिख दिया, बिल्डिंग अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया 7,000 से। तो इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट में गलती है तो मतलब यही गलत है, मतलब कैश अपनी जगह सही है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिर्फ जो गलत है वो लिख रहे हैं। इसको और इसको कंपेयर करें तो कैश तो यहां लिखा ही होगा, तो हम यहां लिख दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट, 7,000, तो कैश अपनी जगह सही है लेकिन रिपेयर को डेबिट करना था, तो हमने नहीं किया तो कर देंगे, अब रिपेयर्स अकाउंट डेबिट
पेयर्स अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, इसको कर देंगे कि इसका इफेक्ट निल हो जाए, तो टू बिल्डिंग अकाउंट, ये थर्ड पार्ट हो गया, 7000 से एंट्री हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, फोर्थ। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा, क्रेडिट सेल ऑफ 1800 टू अविकन वाज रिकॉर्डेड 8100। हमने क्रेडिट सेल की है और 1800 की है हमने, लेकिन किस तरह रिकॉर्ड हो गई 8100 की। तो चलिए पहले देखते हैं क्रेडिट सेल की एंट्री क्या करते हैं हम, सेल्स और क्रेडिट पे है तो अविकन, अविकन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, करेक्ट एंट्री होनी थी 1800 की, 1800 की एंट्री होनी थी तो हम 1800 से लिख ले रहे, लेकिन मैंने इस एंट्री को रिकॉर्ड किया है, अविकन वॉज रिकॉर्डेड एज 8100। मैंने एंट्री तो सही पास की लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, अविकन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एंट्री सही पास की है लेकिन हमने एरर किया है अमाउंट का, तो एरर ऑफ कमीशन है ये, अमाउंट में हमने लिख दिया है 8100, हम 8100 पहले लिख देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, डेबिट 1800 से होना था लेकिन 8100 से हो गया है, तो कैंसिल, कुछ कम करना होगा ना, कम करने के लिए इसको क्रेडिट करें और यहां भी गलती है तो इसको डेबिट करें, ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। कितने से डेबिट और क्रेडिट, जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है, जितना ज्यादा हमने रिकॉर्ड कर दिया, तो सेल्स को हम पहले डेबिट करें, सेल्स अकाउंट डेबिट, और कितना ज्यादा हुआ है 6300 दिख रहा है साफ साफ, तो 6300 से हमने जो एक्स्ट्रा मैंने डेबिट इसका किया था और जो एक्स्ट्रा क्रेडिट किया था, कैंसिल करने के लिए इसको डेबिट और इसको क्रेडिट, टू अविकन्स अकाउंट 6300। अब लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है, फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हम ढूंढकर सॉल्व कराएंगे। लास्ट पार्ट है इसमें हमारा, 6000 पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर वॉज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो हमने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है तो ऑफिस फर्नीचर की एंट्री क्या होगी, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जो भी आप लिखें। कितने का ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया है, 6000 का, लेकिन मैंने इसको किस तरह रिकॉर्ड किया है, वॉज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये हमने कर दिया वहां पर, अमाउंट अपना सही है अपनी जगह, तो सही कर लेते हैं, आई थिंक आपको आई गया होगा आंसर क्या होना है, कैश अपनी जगह सही है, ये गलत किया तो क्रेडिट कर दें, इसको डेबिट कर दें, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट, अमाउंट इज 6000।